लेकिन आगे बढ़ते हैं कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने मध्य प्रदेश में होने वाली 26 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बंसल न्यूज से खास बातचीत की उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त से हमारी सरकार गिराई है 26 सीटों पर उपचुनाव के बाद एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी नकुलनाथ ने कहा की पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुझे युवाओं की जिम्मेदारी सौंपी है हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की रीति नीति पर काम करती है मध्यप्रदेश में 26 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं ऐसे में कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पर युवाओं पर ध्यान दे रही है मध्यप्रदेश में कांग्रेस का केवल एकमात्र ही सांसद है वो हैं नकुलनाथ हमारे साथ मौजूद हैं और पार्टी के यूथ आइकन भी हैं सर 26 सीटों पर उपचुनाव है किस तरीके से आपकी भूमिका रहने वाली है मेरी भूमिका इस प्रकार रहेगी कि मैं सारे युवाओं का नेतृत्व करूंगा आ, मैंने कमलनाथ जी से भी कहा है कि युवाओं को आगे लाया जाए क्योंकि आज अगर हम देखें मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग सत्तर प्रतिशत जो हमारी पॉपुलेशन है वो 18 और पैंतीस के बीच में है तो मैं चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे युवा लोग युवा वर्ग आगे आए और नेतृत्व पार्टी को आगे बढ़ाएं सर अभी हम जब भी देखते हैं या मध्य प्रदेश का चुनाव हो या देश का चुनाव हो तो सबसे चर्चित बात रहती है कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा मॉडल तो इस उपचुनाव में भी जो छिंदवाड़ा प्रोजेक्ट है मॉडल है इसको लेकर कांग्रेस जो अन्य सीटों पर यह मुद्दा बनाना चाहेगी देखिए पिछले एक साल से जब से मैं सांसद चुना गया हूँ बड़ी स्पीड से विकास कार्य शुरू हुए थे छिंदवाड़ा में जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है जो भी विकास कार्य छिंदवाड़ा में हो रहे थे इस वर्तमान की सरकार ने इन पर रोक लगा दी है मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें छिंदवाड़ा की जनता छिंदवाड़ा के नौजवानों छिंदवाड़ा के किसानों का क्या कसूर है जो विकास कार्य जो जनता के भलाई के लिए शुरू की गई थी उन पर रुकावट क्यों ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं करना परस, निजी फायदों के लिए तो नहीं कर रहा मैं तो सिर्फ जनता के लिए कर रहा हूँ तो म, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये विकास कार्यो पे रोक क्यों लगाई कोरोना का को संक्रमण है दस दिन का भोपाल में लॉकडाउन करने पड़ रहा है हालत बेकाबू होते नजर आ रहे हैं सरकार का फेलियर है बिल्कुल फेलियर है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब लॉकडाउन किया था लॉकडाउन क्यों किया था उस टाइम हमारे पूरे भारत देश में केवल 500 केसेस थे जब लॉकडाउन उठाया जब अनलॉक वन शुरू किया गया था तो पांच लाख से भी अधिक केसेस हैं आज हम अनलॉक टू में हैं और आज बारह लाख केस हैं तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन किया क्यों अगर लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन उठाया क्यों आज बारह लाख केस हैं अनलॉक करने के बाद यानी कि सात लाख और केसेस बढ़ गए हैं तो एकदम फेलियर है बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया बिना सोचे समझे अनलॉकडाउन किया सर जो 2018 का कांग्रेस का उपचुनाव होता उस पर जनता ने भरोसा जताया था और उसी पे वोट दिए थे कांग्रेस की सरकार बनी थी अब 26 सीटों के लिए उपचुनाव है